नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बॉलीवुड एक्टर सतीश कौशिक के निधन से बॉलीवुड में पूरी तरीके से मातम पसरा हुआ है। बड़ी बड़ी हस्तियां एक्टर के निधन पर दुख प्रकट कर रही हैं। इतना ही नहीं, कई बड़ी हस्तियां जैसे अनुपम खेर और जावेद अख्तर एक्टर के घर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन करने भी पहुंचे हैं। जहां एक तरफ बॉलीवुड हस्तियां सतीश कौशिक के जाने से सदमे में हैं, वहीं राजनीतिक जगत में भी सतीश कौशिक के निधन के बाद मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के जरिए सतीश कौशिक के निधन पर दुख जताया। वहीं अब उनके निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेताओं ने दुख प्रकट किया है। इन नेताओं ने ट्वीट कर उन्हें याद किया है और श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने सतीश कौशिक के निधन पर ट्वीट करते हुए दुख प्रकट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, प्रख्यात फिल्मी हस्ती सतीश कौशिक के असामयिक निधन से दुखी हूँ। वो एक रचनात्मक प्रतिभा थे जिन्होंने अपने अद्भुत अभिनय और निर्देशन की बदौलत सभी का दिल जीता। उनकी रचनाएं दर्शकों का मनोरंजन करती रहेंगी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना, ओम शांति। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी सतीश कौशिक के निधन पर दुख प्रकट किया है और अपने ट्वीट में लिखा है, अभिनेता, निर्देशक और लेखक सतीश कौशिक जी के असामयिक निधन से गहरा दुख हुआ। भारतीय सिनेमा, कलात्मक कृतियों और प्रदर्शन में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके शोक संतप्त परिवार और अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना, शांति ही शांति। इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख प्रकट करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है, प्रख्यात कलाकार और निर्देशक सतीश कौशिक के निधन से मुझे दुख की अनुभूति हुई। अपने लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने कई सफल फिल्मों में योगदान दिया। विशेष रूप से उन्हें मिस्टर इंडिया फिल्म में उनके काम के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। बता दें कि इसके अलावा भी कई बड़े नेताओं ने सतीश कौशिक के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सतीश कौशिक का निधन दिल्ली में हुआ। बताया जा रहा है कि सतीश कौशिक को हार्ट अटैक आया जिसके चलते उनका निधन हुआ है। एक्टर के जाने से उनके फैंस को भी बड़ा झटका लगा है। 67 साल की उम्र में सतीश कौशिक अपने परिवार और चाहने वालों को अकेला छोड़कर दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। सतीश कौशिक बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अपनी कॉमेडी से उन्होंने लोगों को खूब हंसाया, साथ ही उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट की। इसके अलावा कई फिल्मों के वो प्रोड्यूसर भी रहे। बताते चलें कि सतीश कौशिक की आखिरी फिल्म इमरजेंसी है, जिसकी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने शूटिंग पूरी की थी। फिल्म में वो जगजीवन के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म में वो कंगना रनौत और अनुपम खेर के साथ दिखाई देंगे। भले ही सतीश कौशिक अब हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन लोगों के दिलों में उनका अभिनय हमेशा जिंदा रहेगा। विक्की भाई, गरीबी दोस्त, विक्की भाई, उन्होंने इतना सब कुछ दिया, उनके जाने से हर कोई सत्यमय सर। तो सतीश कौशिक ने मेरे सिर्फ दोस्त हैं 45 साल से। मेरी आदत इसलिए है कि रोज सुबह हम बात करते थे 8 बजे और उनके बारे में हैं से नहीं है। बात करना भी अपने आप में एक अजीब सी फीलिंग है। मुझे रात को 2 बजे मेरे डोमेस्टिक हेल्प ने उठाया और मैं सोया हुआ था, तो उन्होंने कहा सतीश जी। तो मुझे लगा सतीश जी रात को 2 बजे घर आए। मैंने कहा बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सतीश जी चले गए। मेरे परसों तो घर पर आए थे मेरे बर्थडे पे रात को खाना खाने, और बड़ा मुश्किल है ऐसा दोस्त मिलना, ऐसा इंसान मिलना। अभी तो हम सब सदमे में हैं, मुश्किल है इस बात को कितने साल लगेंगे ये महसूस करने में कि वो नहीं है। मैं जुलाई 75 में उनसे मिला था, जब वो ड्रामा स्कूल में मेरे क्लास पे मेरे बेंच पे बैठे थे, और परसों रात तक हम साथ में थे। कल शाम को मेरी उनसे 8 बजे बात हुई और उन्होंने कहा मैं कल आता हूँ, फिर मिलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, तो जो दोस्त होता है वो कभी कभी रिश्तेदारों से ज़्यादा करीबी होता है। आप रिश्तेदारों से, शायद अपने भाइयों से, माँ बाप से वो बातें नहीं करते हैं जो दोस्त से करते हैं, क्योंकि दोस्त को आप अपनी असफलता के बारे में, अपनी सफलता के बारे में, अपने हार्ट ब्रेक्स के बारे में, और दोस्त जो है वो सहारा होते हैं, और वो सहारा जो है वो आज एक वो नहीं। एंड ये वो उनकी जगह कोई भर नहीं सकेगा। बतौर एक्टर, बतौर कलाकार, उनके जैसा, उनका जैसा कलाकार नहीं, उनके जैसा प्रोफेशनल नहीं। एंड मैंने वैसा हंसमुख इंसान अपनी लाइफ में
नहीं देखा। बात बात पे वो अपनी फेलियर पर हंसते थे, ज़िंदगी के हर ट्रेजेडी को वो मजाक में लेते थे। सो देश ने आज एक अच्छा इंसान खोया, बेहतरीन कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और मैंने अपने जीवन का एक अंग खोया। सर, आपसे मुलाकात हुई थी उनकी, आप कह रहे हैं कि दिन पहले क्या बात कर पा रहे हैं आप लोग उनसे, लगातार कांटेक्ट में हैं, क्योंकि आगे की प्रक्रिया आप लोगों को मिलकर करनी है। दिल्ली में है, दिल्ली में, बिकॉज ही इज अ नोन पर्सन, तो उनका पोस्टमार्टम होगा और अभी वो हॉस्पिटल में है। वहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद कोशिश है कि वो एयर एम्बुलेंस से यहाँ लाए जाएंगे, और अगर सूर्यास्त नहीं हुआ तो आज ही उनका हम शशि जी और उनकी जो बेटी है वंशिका से पूछकर, उनके परिवार वालों से पूछकर, उनके बड़े भाई से पूछकर उसका इंतजाम फिर आज करें। हाँ सर, आपकी दो दिन पहले आप कह रहे हैं कि आपके बर्थडे पे खाना भी खाने आए थे, क्या इस दौरान कोई इस तरह प्रॉब्लम थी? नहीं नहीं, कोई अचानक नहीं। से हार्ट अटैक अचानक ही आता है, हार्ट अटैक अचानक होता है। दैट मेडिकली आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द डेथ, मेडिकली मैं नहीं जानता, but it is the cause of the death told to me is heart attack. मैं ये कहना चाहूँगा कि जिंदा रहने में और ज़िंदगी जीने में बड़ा फ़र्क होता है। कुछ लोग जिंदा रहते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता, और कुछ लोग भरपूर ज़िंदगी जीते हैं। सतीश कौशिक उनमें से एक थे, अकेले आए मुंबई, उनके पास कोई सिफारिशी खत नहीं था, अगर कुछ था तो उनका टैलेंट था, उनका कॉन्फिडेंस था, और उसी के बलबूते पे सतीश ने एक बहुत अच्छी जगह बनाई इंडस्ट्री में, बतौर एक्टर, बतौर राइटर, बतौर डायरेक्टर। और जो सबसे ख़ास बात उनमें ये थी, इतने खुश मिजाज और हंसमुख थे कि सेट पर आते थे तो माहौल ही बदल जाता था, हंसी के फव्वारे छूट जाते थे, हमेशा लाइट मूड में रहते थे, आँखों में एक शरारत होती थी, एक चमक होती थी, चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती थी। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी उनकी लाइफ में कि उनका 2 साल का बेटा गुजर गया था। माँ बाप के लिए इससे बड़े सदमे की कोई बात नहीं हो सकती कि उनकी पहली औलाद उनके सामने इस दुनिया से चली जाए। इसका जिक्र कभी उन्होंने किसी से नहीं किया, अपना दुख उन्होंने कभी किसी से बांटा नहीं, अगर कुछ उन्होंने बांटा तो अपनी खुशियां बांटी, और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के बल पर उन्होंने सबको खुश किया। दुख नहीं बांटे, खुशियां बांटी, हंसियां बांटी। एक शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथ। तो हमेशा उन्होंने जो मायूस चेहरे थे उन पे मुस्कुराहटें बिखेरी, सबको खुश किया, और बड़े अच्छे अच्छे रोल किए। आज भी हमें पप्पू पेजर याद है, आज भी हमें कैलेंडर याद है, आज भी हमें मामा जी याद है। अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, तेरे नाम, मुझे कुछ कहना है, कुछ चली कुछ नहीं चली, लेकिन अगर नहीं भी चली तो उनके व्यवहार में कभी कोई कड़वाहट नहीं आई। मुस्कुराते रहना ही उनकी आदत थी, और 2 फिल्मों में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, एक राम लखन थी और एक थी आंटी नंबर 1। तो बस सेट पे उनका रहना शर्त था, और माहौल का खुशगवार होना उनकी बातों से। तो मैं यही कहूँगा कि हर तरीके से वो एक अचीवर रहे हैं ज़िंदगी में। इतना जो कुछ भी उन्होंने आज तक अचीव किया वो सिर्फ अपनी मेहनत, अपने टैलेंट के बलबूते पर और अपने व्यवहार के बलबूते पे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे और हमेशा, और बहुत अच्छी मिमिक्री भी करते थे किसी की, तो कभी मैंने उन्हें मायूस नहीं देखा,
कभी मैंने उन्हें टेंशन में नहीं देखा, जब भी देखा उन्हें अच्छे मूड में मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट बांटते हुए। तो यही कहूँगा कि यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, यूं तो आते हैं लोग जाते हैं ज़िंदगी में हजार हा, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, वो एक नक्श छोड़ कर गए हैं, वो अपनी एक पहचान छोड़ कर गए हैं। और जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी, जब तक उनकी वो जिस्मानी तौर पे आज चले गए हैं लेकिन जो उनकी खुशगवार यादें हैं, उनकी बिखेरी हुई जो खुशियां हैं, वो हमेशा रहते दम तक हमारे दिल में कायम रहेगी।